हाई यू गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल माई नेम इज़ खुशी एंड टुडेज वीडियो इज गॉन बी पार्ट टू ऑफ माई टॉप थ्री सीरीज तो मैंने टॉप थ्री सीरीज स्टार्ट की है जहाँ पर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है जिसमें मैंने बात की अपने टॉप थ्री फेस वॉशिज की एंड इन टुडेज वीडियो आई विल भी टॉकिंग अबाउट टॉप थ्री ऑफ माई डबल क्लेंग डेंजिंग नहीं क्लेंजिंग बाम्स बेसिकली एंड नाउ आई फील मुझे क्लेंजिंग बाम्स से स्टार्ट करना चाहिए बट कोई नहीं एंड या दिस इज़ माई न्यू लुक मैंने कर लिए हैं अपने बाल रेड कलर आई मीन रेड ट्राई किया था बट रेड पूरा नहीं आया है बट जैसा भी आया है इसका मैंने ऑलरेडी एक, एक सेपरेट वीडियो बनाया दिस इज बेसिकली टेम्परेरी कलर है ये परमानेंट नहीं है बिना ब्लीच का है ये मुझे ब्लीच नहीं करना था अपने बालों पर एंड ये लाइक विद इन टू टू पॉइंट फाइव मंथस में निकल जाएगा सो या इफ यू आर समन जिसको जानना है कि मेरे टॉक्सी क्लेंजिंग बार्म कौन से होंगे देन कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो सो so बेसिकली ये क्लेंजिंग बाम्स है क्लेंजिंग Cle ऑयल्स भी मैंने काफ़ी यूज़ किए हैं उसमें से काफी ऐसे हैं विच आर माई फेवरेट बट आई डोंट हैव देम नाउ क्योंकि अभी मैं उनको यूज नहीं करती मैंने उनको पहले यूज़ किया और जो उनके एम थे मैंने फेंक दिए थे लाइक like, मैंने कभी रखे नहीं उनको नाव आई फिर मुझे एम रखना स्टार्ट करना चाहिए सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लेंजिंग बाम एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ जोसोन की उनकी क्लेंजिंग बाम आई गॉट दिस फॉर लाइक 50% परसेंट ऑफ फ्रॉम कल्ट से मैंने ली थी 1600 की थी बट मैंने 800 हंड्रेड अराउंड की ली थी मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में ली थी एंड दिस इज़ अबाउट टू फिनिश एज यू गाइस कैन सी लाइक एक तरफ से पूरा खाली हो गया है सो दिस क्लेंजिंग बाम इज़ लाइक रियोली 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 गुड मुझे कभी भी कोई भी इरिटेशन नहीं हुई ना ही आंखों में कोई इरिटेशन हुई आंख में चली भी गई तब भी कोई इरिटेशन नहीं हुई है टेक्स्चर इसका बहुत ज़्यादा स्मूद है लाइक विद इन सेकेंड ये पूरा मेल्ट हो जाता है अच्छे से एंड पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर देता है एंड पैकेजिंग भी इसके से कन्वीनियंट है ही बट यहाँ पे एक्चुअली एक प्लास्टिक लेटर जो यहाँ पे स्टिक हो गई है तो ये ऐसे होता है फिर प्लास्टिक लिड लगाते हैं फिर फिर उसके ऊपर हम इसका स्कूप रखते हैं स्कूप के साथ आता है बट ये प्लास्टिक लिड यहाँ ऊपर चिपक गई है कुछ महीने पहले मैंने निकालने की कोशिश भी नहीं की एंड ये पूरी ऐसे भी खुलती है एंड लाइक दिस इज अ रियली रियली गुड क्लेंजिंग बाम अगर आपको ऑफर्स में दिखती है देन डेफिनेटली ग्रैप दिस मैक्रॉन पे ऑफर में आती होगी प्लस अगर आपका न्यू नंबर है तो यू विल गेट एक्स्ट्रा 15% ऑफ एंड काफी अच्छी क्लेंजिंग बाम है देख, अगेन मैं भूल गई बोलते बोलते काफी अच्छी क्लेंजिंग बाम है एंड इसका क्या है कि आपको उतना ज्यादा अमाउंट नहीं चाहिए मैंने एक दो बार है ना ट्राई किया था बहुत ज्यादा अमाउंट लेके बट वो तो निकल ही नहीं रहा था तो उससे बेटर आप एकदम थोड़ा सा अमाउंट लेके एंड यू you नो know, काफी अच्छे से चल जाएगी लाइक दिसंबर से मुझे चल रही है लाइक साथ में ऑब्वियस आई ट्राई डिफरेंट क्लेंसिंग बाम्स ऑल्सो बट या आई थिंक अगर आप इसको रेगुलरली भी यूज करोगे तो आई थिंक अप्रॉक्स चार महीने तो ये चल ही जानी चाहिए बिकॉज इसमें हंड्रेड ग्राम्स आता है एंड दिस इज लाइक अ रियली रियली नाइस क्लेंजिंग बाम एंड रिपर्चेज की बात करें तो आई माइट रिपर्चेज अभी तो नहीं बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अदर क्लेंजिंग बाम्स विच आई एम यूजिंग लाइक जो मैं ऑलरेडी यूज कर रही हूँ पर वो ख़त्म नहीं हुई तो कुछ टाइम के लिए मैं नहीं करने वाली हूँ उसके बाद देखते हैं फ्यूचर का अब किसको पता है जिंदा रहूंगे नहीं रहेंगे आई I mean नहीं दैट्स दैट वॉज अ जोक बट या लाइक फ्यूचर का पता नहीं मे बी यू ना कोई और ब्रांड की मैं ट्राई कर कोई न्यू और न्यू लॉन्च हो गई तो वही रिपोर्ट का पता नहीं बट अगर इफ आर समन हुज नॉट अ कंटेंट क्रिएटर एंड इफ यू ट्राई दिस एंड इफ यू रियली लाइक दिस देन स्टिक टू दिस लाइक कीप यूजिंग दिस ओनली डोंट एक्सपेरिमेंट विद मूविंग ऑन टू दिस क्लेंजिंग माम जो मैंने यहाँ पे रखी है is this one from फ्रॉम डॉटिन की एंड आई डोंट नो अचानक से डॉटिन की के प्रोडक्ट्स मिलने क्यों काम कर रहे हैं बिकॉज डॉटिन की एज अ ब्रांड कभी मुझे उतना वैसा नहीं लगा कि यू you नो know, uh, लाइफ चेंजिंग होगा नॉट लाइफ चेंजिंग बट एक ऐसा होता है ना कि उसकी क्वालिटी भी सही है बट एक होता है ना अंदर से कि आ... लाइक like, सबसे बेस्ट ब्रांड है या बहुत सही है बहुत अच्छा है मुझे कभी ऐसा डॉटिन की से लगा नहीं बिकॉज आई थॉट यू नो इट्स जस्ट लाइक डर्मा को हो गया या नो you know, और भी ब्रांड्स हो गए वैसा लगा बट नहीं इस ये एंड डॉटिंग की के आपको ऑलरेडी यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे इनकी ब्लू वाली रेंज इक्वल को छोड़ के ये पूरे डॉटिंग की के हैं सो ये आर नॉट टॉकिंग अउट दिस क्लेंजिंग बाम दिस इज द स्ट्रॉबेरी क्लेंजिंग बाम एंड अगेन आई थिंक ये मैंने नवंबर दिसंबर में लास्ट ईयर ली थी जब ये लॉन्च ही हुई थी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू से इसकी स्मेल लाइक इवन तो मेरा नाक जहा है मेरे को स्मेल नहीं आ रही है बट मुझे इसकी स्मेल पता है एकदम एलपेलीबे वाली जो लॉलीपॉप एंड जो टॉफी आती है एकदम वैसी स्मेल है इसका पीच का पार्ट गिर गया है सॉरी फॉर दैट सो या एंड पैकेजिंग की बात करें तो ऐसे ग्लास पैकेजिंग में आते हैं विच आई डोंट लाइक बिकॉज इट्स वेरी हैवी एंड गलती से एक बार भी गिरी तो फट करके टूट जाएगी ब्यूटी ऑफ जुसन में ऐसा नहीं होगा सो so, इसकी पैकेजिंग इज नॉट दैट अच्छा एंड uh, काफ़ी लोग बोलते हैं उनको स्कूप आउट करने में इशू होता है नॉल बट ऐसा नहीं है इसके साथ एक स्कूप वाला आता है लाइक मैंने यहाँ पे संभाल के रखा है दिस इज द डॉटिंग की वाला ये डॉटिंग की का ये लिखा भी है डॉटिंग की तो वही ये स्कूप आता है साथ में तो आप इसको यूज कर सकते हो इसका है कि ब्लू वाले का बिकॉज आई आई हैव अराउंड हैव अराउंड थ्री स्कूप्स तो इसमें दो तो डॉटिंग की के ही हैं बाकी का मैं शोर नहीं हूँ सो so ये आइक स्कूप तो इसके साथ आता है तो आप आराम से निकाल सकते हो बट वही एयर स्कूप का रखे क्लेंजिंग बार कहा रखे बट उसके अलावा ये पूरा मेकअप अच्छे से निकाल देते देतेमल्सिफाई भी काफी अच्छे से होती है बिल्कुल भी हार्श है वो नहीं फील होती इसकी भी काफ़ी कम क्वांटिटी लेना नहीं तो अगर आप बहुत ज़्यादा लोगे तो निकालने में बहुत प्रॉब्लम होगा लाइक आपको बार बार पानी मारते रहना पड़ेगा मारते रहना पड़ेगा एनऑल एंड आई थिंक दिस इज़ अ रियली गुड क्लेंजिंग मैम आई थिंक पैकेजिंग तो वो चेंज करेंगे नहीं बिकॉज दिस इज देयर टिपिकल पैकेजिंग इनके साथ काफ़ी प्रोडक्ट्स इसी फॉर्म में आते हैं अदर देन दैट दिस इज अ गुड क्लेंजिंग मैम एंड आई हैव टू से दिस इज़ वेरी हाइड्रेटिंग आई फील दिस इज़ वेरी हाइड्रेटिंग इसीलिए मैंने इसको दिल्ली आके यहाँ पे बंद कर दिया यूज़ करना बिकॉज दिल्ली में <coughs> अभी तो ठंड हो गई है बट इससे पहले काफ़ी गर्मी थी एंड मुझे नहीं पसंद आ रही थी ये बट नाव आई वुड से अभी जब ठंड स्टार्ट हो चुकी है दिल्ली में ऑलरेडी एंड मेरी बैंड बजने वाली भी स्टार्ट हो चुकी है बिकॉज मैं ऑलरेडी मेरा नाक पूरा ब्लॉक हो रखा है सो या आई हैव टू से दिस विल बी अ रियली गुड क्लेंजिंग बाम फॉर विंटर्स एंड मैं दिल्ली में मतलब अब जब मैं दिल्ली में रह रही हूँ एंड विंटर्स आने वाले हैं तो लाइक आई एम रियली लुकिंग फॉवर्ड टू यूजिंग दिस क्लेंजिंग बाम बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली क्वाइट मॉइस्चराइजिंग एंड मूविंग ऑन टू टू अदर क्लेंजिंग बाम्स ये मैंने एक्चुअली दो इसीलिए रखी हैं बिकॉज आई लाइक बोथ द क्लेंजिंग बाम्स बट आई डोंट लाइक दियर पैकेजिंग इसीलिए मैंने दोनों को थर्ड पोजिशन दे दी है सो द फर्स्ट वन इज दिस काम बाम जो मैंने यहाँ से उठाई है ये न्यू वाली है पुराने वाली मेरे बाथरूम में रखी है जो मैं यूज़ करती हूँ अपना मेकअप हटाने के लिए सो ये आद दिस क्लेंजिंग बाम मैंने ऑलरेडी इसका रिव्यू किया आप देख सकते हैं मुझे क्लेंजिंग बाम बहुत पसंद है इट्स रियली गुड सब सही है बट इसका पैकेजिंग इज़ एन इशू एंड प्राइस की बात करें तो सिक्स नाइन्टी नाइन रुपीज़ की आती है फॉर फिफ्टी ग्राम विच आई थिंक इज़ जस्टिफाइड फॉर द पैकेजिंग एंड आई थिंक लॉटन की वाली इज़ अराउंड आई थिंक फाइव हंड्रेड कुछ की होगी वो एंड ब्यूटी ऑफ जोस्तम वाली इज एक्सपेंसिव बट अगेन ये आपको ऑफर्स में मिल सकती है प्लस वो हंड्रेड ग्राम्स भी आती है ये एंड वो वाली वो तो सेवेंटी ग्राम्स है मैं यू नो मेरा सर घूम रहा है ओके आई फिनिश दिस वीडियो इसके बाद मैं शूट नहीं करने वाली बिकॉज मैंने दिन में भी शूट किया था मैं वापस शूट कर रही हूँ, आई थिंक इसलिए मेरा सर घूम रहा है सो या दिस कैंसिंग बाम इज रियली गुड बट आई थिंक द पैकेजिंग इज आई एम नॉट श्योर इज आई एम नॉट श्योर अबाउट द पैकेजिंग एंड पुराने वाली तो मेरी बिल्कुल पैकेजिंग नहीं चली बट अगर ये पैकेजिंग सही चलती है ये सेकेंड ट्यूब है टब है मैंने इसको अभी तक तो ओपन नहीं किया है एंड इफ आई ओपन दिस एंड अगर ये खराब नहीं होता है बिल्कुल भी खराब नहीं होता है देन आई विल डेफिनेटली बाय दिस बट अगर ये खराब हो जाता है देन आई जस्ट गिव अप दिस इज अ गुड क्लेंजिंग माम इन्ग्रीडियंट्स भी सही है कुछ इरिटेशन कुछ भी नहीं होता है इट्स जस्ट द पैकेजिंग इज बैड सो so, अगर ये सेकेंड वाला टब एकदम अच्छे से चल गया बिना खराब हुए देन आई विल डेफिनेटली रिपोर्चेज एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट क्लेंजिंग बाम विच अगेन इज अ रिपोर्चेज इज इज डी कंस्ट्रक्ट की सूदिंग क्लेंजिंग बाम इसका मैंने पैकेट अभी तो तक तो खोला भी नहीं है एंड द रीजन माई गॉड दिस इज फॉर द पैकेजिंग ये मुझे ट्रेवलिंग के लिए चाहिए थी बिकॉज बाकी क्लेंजिंग बाम्स काफी जाड़ी जाड़ी मोटी मोटी हैं तो उनको ना फिट करना बैग में इज नॉट लाइक उतना पॉसिबल नहीं है कन्वीनियंट नहीं है यू नो और और भी स्किन केयर लेना पड़ता है इसीलिए मैंने डीकंस्ट्रक्ट वाली लिए ट्यूब वाली मैंने इसको ओपन नहीं किया है एज यू गाइस कैन सी एंड मैंने रिसेंटली मिंत्रा से लिए मंत्रा पर फिफ्टी परसेंट ऑफ चल रहा था काफी अच्छी डील पे मिल गई मुझे ये एंड इसका भी आई वुड से दिस इज अ गुड क्लेंजिंग मैम बजट में भी इज्स इट्स फॉर लाइक आई थिंक थ्री फोर्टी नाइन रुपीज ओनली फॉर फिफ्टी ग्राम्स विच इज रियोली 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 रिय रियोली नाइस प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसका बेस्ट प्राइस है अभी तक का चारों क्लेंसिंग बाम्स में बट द ओनली इश्यू इज द ट्यूब पैकेजिंग बट इन लोगों ने लिखा है कि ये बेसिकली इनका न्यू फॉमुलेशन है सो लेट्स सी ये कैसा होता है मैंने इसका अभी तक ट्राई नहीं किया है बट इनके पुराने फॉर्मुलेशन की बात करें तो वो भी ठीक ही था लाइक like, काफी बार ऐसा होता था कि उसमें ऑयल और वो बाम सेपरेट हो जाता था बट मतलब मैनेजेबल था ऐसा नहीं था कि बहुत बुरी है रिएक्शन दे रही है एंड वो मैनेज नहीं हो रहा है बिकॉज आई डोंट थिंक इंडिया में अभी थ्री फोर्टी नाइन रुपीज में आपको कोई लेंजिंग माम मिलेगी फॉर लाइक फिफ्टी ग्राम्स प्लस डी कंस्ट्रक्ट इज़ अ रियली 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 गुड ब्रांड अगर आप इनके कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई करने का सोच रहे हो तो लाइक लाइक दिस इज़ अ ग्रीन फ्लैग वाला ब्रांड है डी कंस्ट्रक्ट सो याड इसमें इसमें भी आई से काफी सूदिंग एंड कार्मिंग इन्ग्रीडियंट्स हैं एंड मे बी ये भी आई थिंक विंटर्स के लिए फिट रहेगी बिकॉज इट्स लाइक वेरी वेरी मॉइस्चराइजिंग मैं इसको बैंगलोर में यूज़ करती थी लास्ट ईयर सो या एंड अभी मैं अगेन विंटर्स आने वाले आई एम एक्साइटेड टू यूज दिस क्लेंजिंग बार एंड यू कैन गो फॉर दिस वन अगर आपको पैकेजिंग का उतना इश्यू नहीं है तो बिकॉज यू नो मैं तो काम चला लेती हूँ मैं इसे इसको दवा दवा के निकाल के कर ही लेती हूँ लास्ट में मैं काट के भी एक्स्ट्रा स्कूप आउट कर लेती हूँ एंड या आई थिंक दैट्स फॉर माई ऑल ऑफ माई क्लेंजिंग बाम्स इसको मैंने ऊपर रखा था यहाँ पे एंड देट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो एंड नेक्स्ट टॉप थ्री यू नो आई एम नॉट श्योर किसका होगा बिकॉज टोनर्स टॉप थ्री कुछ नहीं है मेरे पास मैं एक ही टोनर यूज करती हूँ जो अगेन मुझे कुछ वाव नहीं लगता तो मैं अगेन टोनर्स टॉप थ्री होंगे नहीं मॉइस्चराइजर्स आई माइट एंड सनस्क्रीन्स आई माइट क्योंकि सनस्क्रीन में है मेरे पास कुछ ऑप्शन विच आई यू नो लाइक आई यूज एंड आई रियली लव दम एंड आई थिंक उसके अलावा और कुछ है नहीं एंड दैट्स ऑल फॉर चुडेज वीडियो एंड अभी मैं जाके सोने वाली हूँ बिकॉज माई हेड इज़ स्पिनिंगिंग एंड दैट्स आल फॉर चुडेज वीडियो एंड आई सी यू एज नेक्स्ट टाइम